गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन? ओके, आई एम ऑल्सो फाइन. टूडेज डेट आर 12 मई 2023. आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. जैसा कि आपको पता है, जैसे हमने मार्कर अपने हाथ में लिया, तो जैसे मान लो डस्टर हमने अपने हाथ में लिया, तो हाथ से पकड़ने के दौरान भी हमारे मसल्स काम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन तीन प्रकार के होते हैं. सबसे पहला होता है आइसोमेट्रिक. मैट्रिक का मतलब होता है लंबाई. आइसोमेट्रिक मतलब सेम, और मैट्रिक का मतलब होता है लंबाई. लंबाई, जैसे हम दीवार को धक्का देते हैं तो हमारी जो लंबाई है, हाथों की लंबाई है, वो सेम रहती है. एग्जाम्पल आर, ये बोर्ड है, बोर्ड के सामने जैसे हमने इसको धक्का दिया, तो हमारी जो हाथों की कॉन्ट्रैक्शन है उसमें टेंशन तो बनी हुई है, लेकिन लंबाई सेम है, तो इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक. दूसरा टाइप है आइसोटोनिक. इसका आइसो का मतलब होता है सेम, और टोनिक का मतलब होता है तनाव. ये इसमें तनाव बना रहता है. ये दो प्रकार का होता है. कॉन्सेंट्रिक एंड ईसेंट्रिक. इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी मसल्स होती हैं उनकी लंबाई छोटी हो जाती है, और दूसरा जो होता है इसमें हमारी मसल्स की लंबाई बढ़ जाती है. जैसे ये अपनी आर्म है, आर्म को अगर हम फ्लेक्शन में करेंगे ये, तो ये जो हमारी बाइसेप्स मसल्स है इसकी लंबाई छोटी हो गई, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक. और यही अगर आर्म को सीधा करेंगे तो ये लंबाई हमारी बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं ईसेंट्रिक. इसमें क्या होता है कि हमारी लंबाई बढ़ जाती है और बाइसेप्स में हमारी लंबाई छोटी हो जाती है. और तीसरा प्रकार है आइसोकाइनेटिक. इसमें भी आइसो का मतलब होता है सेम, और काइनेटिक का मतलब होता है गति या मोशन. ये क्या होता है, इसमें जो हमारी गति है वो एक बार बढ़ेगी, एक बार कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेडमिल पे रनिंग करना या साइकिल चलाना. साइकिल में क्या होता है, जब एक पैर से पैडल लगाते हैं तो एक पैर की लंबाई छोटी होती है और एक पैर की लंबाई बढ़ती है, फिर दूसरे पैर से पैडल लगाते हैं तो एक पैर की लंबाई छोटी होती है और एक पैर की लंबाई बड़ी होती है. तो अच्छा बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन.